वेलकम टू एबीसी कैंपस। आज हम कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 में मिस्टेक का टॉपिक पढ़ेंगे, जिसमें हम सेक्शन 20, 21 एंड 22 को डिस्कस कर रहे होंगे। तो ब्रीफली हम डेफिनेशन ऑफ मिस्टेक के ऊपर बात करेंगे, क्योंकि लॉ में तो ये डेफिनेशन गिवन नहीं है, तो इसका मतलब बेसिकली क्या होता है उस पर बात करेंगे। फिर बायलैटरल मिस्टेक एज टू मैटर ऑफ फैक्ट, एरनस ओपिनियन एज टू वैल्यू, यूनिलैटरल मिस्टेक एज टू मैटर ऑफ फैक्ट और मिस्टेक एज टू लॉ, इन 5 पॉइंट्स को हम वन बाय वन डिस्कस कर रहे होंगे। तो इन पॉइंट्स की तरफ चलते हैं। तो पहली बात यह है कि मिस्टेक की डेफिनेशन क्या है। तो द टर्म मिस्टेक हैज नॉट बीन डिफाइंड इन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, लॉ के अंदर तो इसको डिफाइन नहीं किया गया, और इसका मतलब यह है कि वर्ड मिस्टेक का जो नॉर्मल मीनिंग लिया जाता है जो बिजनेस डीलिंग्स में और कॉन्ट्रेक्चुअल डीलिंग्स के अंदर, वही मतलब हम लेंगे। और इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट लॉ इसको डिफाइन किया जा सकता है कि एरनस बिलीफ, के बिलीफ है लेकिन गलत है, कॉन्ट्रैक्ट करते हुए एट कॉन्ट्रैक्टिंग दैट सर्टन फैक्ट्स आर ट्रू, जबकि आपका वो बिलीफ गलत है, वो फैक्ट्स इन फैक्ट ट्रू नहीं है। जब एक पार्टी एट मिस्टेक हो तो उसको यूनिलैटरल मिस्टेक कहते हैं, और जब दोनों पार्टीज एट मिस्टेक हो तो उसको बाइलैटरल मिस्टेक कहते हैं। ये टर्मिनोलॉजी ऑब्वियसली इस वीडियो के अंदर भी यूज हो रही होगी और कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में और भी कई जगह पर यूज होती है। तो वन पार्टी जहां पर इन्वॉल्व हो यूनिलैटरल, और दोनों पार्टी से रिलेटेड इश्यू हो तो वो बायलैटरल। सेकंड पॉइंट हमारा है बायलैटरल मिस्टेक एज टू मैटर ऑफ फैक्ट। तो बायलैटरल का मतलब है दोनों पार्टीज होंगी मिस्टेक पर और मैटर ऑफ फैक्ट से रिलेटेड होंगी, यानी लीगल इशू पे नहीं, मैटर ऑफ फैक्ट से रिलेटेड किसी चीज के फैक्चुअल स्टेटमेंट के बारे में बात हो रही होगी। तो रूल इस पर क्या है, वेयर बोथ द पार्टीज टू एन एग्रीमेंट आर अंडर अ मिस्टेक एज टू अ मैटर ऑफ फैक्ट एसेंशियल टू द एग्रीमेंट इज वॉइड। तो पहला तो हमें यह रूल पता चला कि ऐसी सिचुएशन में एग्रीमेंट वॉइड होगा जहां पर फैक्ट से रिलेटेड दोनों पार्टीज एट मिस्टेक हो। अब फैक्ट से रिलेटेड क्या क्या मिस्टेक हो सकती है, इसको हम एग्जांपल्स के थ्रू कवर करते हैं, और हम टोटल 6 एग्जांपल्स कवर करेंगे। आतिफ एग्रीज टू बाय फ्रॉम बाबर अ सर्टन हॉर्स, इट टर्न्स आउट दैट द हॉर्स वाज डेड एट द टाइम ऑफ बार्गेन, द नीदर पार्टी वाज अवेयर ऑफ द फैक्ट, यानी दोनों को पता नहीं था कि हॉर्स की डेथ हो गई है, वो समझे कि हॉर्स अभी भी एग्जिस्ट करता है और वो उसके बारे में निगोशिएट कर रहे थे, कॉन्ट्रैक्ट कर रहे थे, उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट कर लिया लेकिन एक्चुअली हॉर्स डेड था। तो ये एग्रीमेंट वॉइड होगा क्योंकि यहां पर दोनों पार्टी दैट मिस्टेक हैं। फैक्ट क्या था, फैक्ट एग्जिस्टेंस ऑफ सब्जेक्ट मैटर, यानी दोनों पार्टीज को की गलती क्या थी कि दोनों पार्टीज ये समझती थी कि कॉन्ट्रैक्ट का जो सब्जेक्ट मैटर है, जिस चीज के बारे में वो कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, वो एग्जिस्ट करता है लेकिन एक्चुअली वो एग्जिस्ट नहीं करता था। तो दोनों पार्टी की मिस्टेक थी अबाउट एग्जिस्टेंस ऑफ सब्जेक्ट मैटर, जिसकी वजह से कॉन्ट्रैक्ट वॉइड एग्रीमेंट वॉइड कंसिडर होगा, कॉन्ट्रैक्ट नहीं बोलेंगे यहां पे, एग्रीमेंट कहलाएगा ये वॉइड एग्रीमेंट। सेकेंड सिनेरियो, आसिफ एग्रीज टू बाय फ्रॉम बकर ऑल हिज हॉर्सेज बिलीविंग दैट बकर हैज 3 हॉर्सेज बट बकर एक्चुअली हैज 2 हॉर्सेज। अब बकर को भी अपनी काउंटिंग के हिसाब में लग रहा था कि उसके पास जो है ना 3 हॉर्सेज हैं, और 3 हॉर्सेज की उन्होंने डीलिंग कर ली जबकि एक्चुअली उसके पास सिर्फ 2 हॉर्सेज थे। तो ये एग्रीमेंट वाइड होगा क्योंकि दोनों पार्टीज मिस्टेक पर हैं, और किस चीज से, कौन सा फैक्ट है जिसकी मिस्टेक हो रही है, क्वांटिटी ऑफ सब्जेक्ट मैटर, तो वाइड एग्रीमेंट है। अब यहाँ पे क्वांटिटी ऑफ सब्जेक्ट मैटर जो है फैक्ट ऑफ द इशू है। थर्ड एग्जाम्पल है आरिफ एग्रीज टू बाय अ पर्टिकुलर हॉर्स फ्रॉम बाकिर, बोथ बिलीव इट टू बी अ रेस हॉर्स, यानी दोनों पार्टीज ये समझ रही है कि वो हॉर्स जो है वो रेस के लिए सूटेबल है, बट इट टर्न्स आउट टू बी अ कार्ट हॉर्स, लेकिन वो जैसे तांगा या इस मकसद के लिए वो सूटेबल है, वो रेस वाला हॉर्स नहीं है। तो एग्रीमेंट वॉइड है क्योंकि दोनों पार्टीज मिस्टेक पर हैं सब्जेक्ट मैटर की क्वालिटी को लेके, यानी जिस चीज पे कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं उसकी क्वालिटी के बारे में दोनों पार्टीज एट मिस्टेक थी, दोनों ने ये कहकर एग्रीमेंट किया कि रेस हॉर्स का कर रहे हैं जबकि वो रेस हॉर्स था ही नहीं। फिर है अमीर एग्रीज टू बाय अ पर्टिकुलर हॉर्स फ्रॉम बासित, हु मेंशन्ड ड्यू टू टाइपिंग एरर इन हिज लेटर द प्राइस ऑफ 1150 इंस्टेड ऑफ 5150। एग्रीमेंट वॉइड है क्योंकि बायलैटरल मिस्टेक है अबाउट प्राइस ऑफ द सब्जेक्ट मैटर। तो यहां जहां पर ये इस तरह की ऑनेस्ट मिस्टेक हो जाए तो उसको लॉ कहता है कि ऐसा एग्रीमेंट नहीं होगा, क्योंकि पार्टीज की उस सेम सेंस में अंडरस्टैंडिंग ही नहीं थी उस चीज पे, जिसे हम कहते हैं कि पार्टीज को कंसेंट होनी चाहिए, सेम थिंग को सेम सेंस में अंडरस्टैंड कर रहे हैं।
फिर है आजम एग्रीज टू बाय फ्रॉम बाबर अ सर्टन हॉर्स, बाबर हैज वन रेस हॉर्स एंड वन कार्ट हॉर्स, आजम थिंक्स दैट ही इज बाइंग रेस हॉर्स बट बाबर थिंक्स दैट ही इज सेलिंग कार्ट हॉर्स। अब दोनों पार्टीज जो टाइप ऑफ हॉर्स सोच रही हैं वो डिफरेंट सोच रही हैं, एक के जहन में रेस हॉर्स है, एक के जहन में कार्ट हॉर्स है, यानी दोनों पार्टी सेम थिंग को सेम सेंस में अंडरस्टैंड नहीं कर रही, तो दोनों पार्टी दैट मिस्टेक हैं, एग्रीमेंट वाइड है, क्योंकि आइडेंटिटी ऑफ सब्जेक्ट मैटर यहाँ पर अफेक्ट हो रहा है, जो फैक्ट ऑफ द इशू इशू है, फैक्ट का मैटर ऑफ फैक्ट है वो आइडेंटिटी का है। अदील एग्रीज टू बाय अ पर्टिकुलर हॉर्स फ्रॉम मदर, अनोन टू बोथ पार्टीज दैट हॉर्स इज ऑलरेडी ओन्ड बाय अदील। अब अदील बाय कर रहा है लेकिन अब उन्हें जहन में नहीं है या अदील को याद नहीं है कि, और ऑलरेडी वो हॉर्स जो है वो अदील की ऑनरशिप में है, तो जो उसकी ऑनरशिप में पहले से ही हॉर्स है उसको कैसे परचेज किया जा सकता है। तो अब यहाँ पे टाइटल ऑफ सब्जेक्ट मैटर यानी ऑनरशिप, टाइटल ऑफ द सब्जेक्ट मैटर मतलब ऑनरशिप ऑफ सब्जेक्ट मैटर, इस पर दोनों पार्टीज की बायलैटरल मिस्टेक है, इसलिए ये वॉइड एग्रीमेंट होगा। अब आपने ना सिर्फ ये कि बेसिक रूल तो बहुत आसान है कि जहां पे बायलैटरल मिस्टेक एज टू मैटर ऑफ फैक्ट हो तो एग्रीमेंट वाइड होगा, लेकिन आपने सिक्स सिनेरियोज भी कवर करने हैं, यानी एग्जिस्टेंस, क्वांटिटी, क्वालिटी, प्राइस, आइडेंटिटी और टाइटल या ऑनरशिप। तो ये सिक्स पर्सपेक्टिव जो इन एग्जांपल्स के थ्रू कवर हो रहे हैं ये भी आपके कवर होने चाहिए। फिर है एरेनस ओपिनियन एज टू वैल्यू, सेम सेक्शन के अंदर लॉ ये एक्सप्लेनेशन देता है कि एरेनस ओपिनियन एज टू वैल्यू ऑफ द थिंग विच फॉर्म द सब्जेक्ट मैटर ऑफ एग्रीमेंट इज नॉट टू बी डीम्ड अ मिस्टेक एज टू मैटर ऑफ फैक्ट, यानी इसको मिस्टेक नहीं समझा जाएगा। अगर पार्टीज किसी चीज की वैल्यू कम समझ रही हैं या पार्टीज किसी चीज की वैल्यू ज्यादा समझ रही हैं तो ये मिस्टेक नहीं समझी जाएगी, नॉट टू बी डीम्ड अ मिस्टेक, ये लॉ ने क्लैरिफिकेशन दी हुई है कि ये मैटर ऑफ फैक्ट की मिस्टेक नहीं समझी जाएगी, बट शर्त यह दोनों पार्टीज एट मिस्टेक हों। ताज बाउट अ प्लॉट ऑफ लैंड फ्रॉम राज फॉर अ लार्ज सम, यानी बड़ी अमाउंट पर, एज दे बोथ वर ऑफ द ओपिनियन दैट द प्रॉपर्टी प्राइसेस विल सर्ज इन फ्यू डेज, क्योंकि उन्हें लगता था कि कुछ ही दिनों में जो प्रॉपर्टी की प्राइसेस हैं वो बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगी। अनएक्सपेक्टेडली ये हुआ कि प्रॉपर्टी प्राइसेस जो हैं वो सिग्निफिकेंटली फेल हो गई, और यानी जो उन दोनों पार्टीज की ओपिनियन थी कि वैल्यू बढ़ जाएगी वो ओपिनियन गलत थी, एक्चुअली प्रॉपर्टी की वैल्यू गिर गई उस खास एरिया के अंदर। तो अब क्या कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल कर सकते हैं मिस्टेक के पॉइंट पर, तो पॉइंट यही है कि नहीं, कैंसिल नहीं कर सकते, वो वाइड नहीं होगा, क्योंकि एरेनस ओपिनियन वैल्यू के बारे में जो होती है उसको मिस्टेक नहीं समझा जाता, नॉट डीम्ड अ मिस्टेक एज टू मैटर ऑफ फैक्ट, और क्योंकि इसको मिस्टेक नहीं समझा जाएगा तो ऐसे सिचुएशन में ये कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट वॉइड नहीं होगा, एक प्रॉपर कॉन्ट्रैक्ट होगा और इसके ऊपर पार्टीज को जो है अमल करना होगा, इसको परफॉर्म करना होगा। यूनिलैटरल मिस्टेक एज टू मैटर ऑफ फैक्ट, यानी ऐसी मिस्टेक जहां पर एक पार्टी मिस्टेक पर हो, दोनों ना हो, अ कॉन्ट्रैक्ट इज नॉट वॉइडेबल, तो यहां पे बड़ी क्लैरिटी लॉ दे रहा है कि कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल नहीं होगा मेयरली बिकॉज इट वॉज कास्ट बाय वन ऑफ द पार्टीज, वन ऑफ द पार्टीज यानी यूनिलैटरल इन्वॉल्व हो, बींग अंडर अ मिस्टेक एज टू मैटर ऑफ फैक्ट, तो एक पार्टी की मिस्टेक की वजह से कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल नहीं होगा। अब एग्जाम्पल लेते हैं, आजम बाय द पेंटिंग बिलीविंग इट टू बी वर्थ 1 लाख वाइल इन फैक्ट इट इज वर्थ ओनली 10,000, अब वो समझ रहा है कि ये तो बड़ी अच्छी पेंटिंग है, ये 1 लाख रुपए की इसकी वर्थ होगी कम से कम, एक्चुअली वर्थ उसकी 10,000 है, तो ये यूनिलैटरल मिस्टेक है और कॉन्ट्रैक्ट वैलिड कंसीडर होगा, वॉइड नहीं होगा। अच्छा, जहां पे दोनों पार्टीज जो हैं वो प्राइस के बारे में उनकी बायलैटरल मिस्टेक हो तो वहां पर ऐसा एग्रीमेंट वॉइड होता है, लेकिन एक पार्टी मिस्टेक पर हो तो वैलिड होता है। फिर मिस्टेक एज टू लॉ, और इसके अंदर दो पर्सपेक्टिव होंगे जिन्हें हमने कवर करना है, एक पाकिस्तानी लॉ की मिस्टेक और तरीके से लॉ में डील होती है और फॉरेन लॉ की मिस्टेक और तरीके से डील होती है। मिस्टेक ऑफ पाकिस्तानी लॉ पर यह है कि कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल नहीं होता, क्योंकि अगर वो पाकिस्तानी लॉ की कोई मिस्टेक हो, इसके पीछे जो रीजन है वो ये है कि लॉ की, पाकिस्तानी लॉ की मिस्टेक को एक्सेप्ट नहीं करता लॉ, क्योंकि वो ये कहते हैं कि अगर आप पाकिस्तान में कोई लॉ काम कर रहे हैं तो आपको पाकिस्तान के लॉ के बारे में नॉलेज होनी चाहिए, अगर आपको लॉ की नॉलेज नहीं थी तो ये आपका कसूर था, इसका ये मतलब नहीं है कि आप जो है कोर्ट में केस जो है वो नहीं जा सकता। फॉर एग्जाम्पल, यूं तो अगर हम इसको क्योंकि बेस बना लेना कि लॉ पाकिस्तानी लॉ की मिस्टेक को भी एक्सेप्टेबल कर दें कि वो वाकई मिस्टेक है, तो प्रॉब्लम ये आएगा कि जिस तरह से कोर्ट
कोई शख्स किसी को कत्ल कर देता है और वो कत्ल करके कहता है जी मुझे तो नहीं पता था कि इसकी जो है ना सजा उम्र कैद होती है या फांसी होती है, तो फिर क्या हम ये थोड़ी कहेंगे कि आपको क्योंकि लॉ का पता नहीं था तो आपसे मिस्टेक हो गई, अब सजा नहीं मिलेगी। लॉ का पता था या नहीं पता था, सजा होगी, क्योंकि ये हर पर्सन की खुद ड्यूटी बनती है कि वो जिस कंट्री में जिस टेरिटरी के अंदर रह रहे हों, ऑपरेट कर रहे हों, वहाँ के जो लॉ हैं, जो कानून हैं, उनके बारे में वो नॉलेज हासिल करें। ऑब्वियसली हम ये सब अंडरस्टैंड करते हैं कि प्रैक्टिकली वो नॉलेज, हर चीज़ की नॉलेज, हर लॉ की नॉलेज एक पर्सन को नहीं होती, लेकिन फिर जिस जिस टाइप का आप काम कर रहे हैं उसके बारे में पहले आपको रेलिवेंट नॉलेज हासिल करनी चाहिए और फिर ही वो काम करना चाहिए। इस पर एग्जांपल है कि आजम एंड बाबर मेक अ कॉन्ट्रैक्ट विच इज बेस्ड ऑन एरेनस बिलीफ दैट अ पर्टिकुलर डेट इज बार्ड बाय पाकिस्तानी लॉ ऑफ लिमिटेशन। यानी उन्होंने ये कहा कि भाई ये तो अब ये जो डेट है इसके ऊपर केस नहीं हो सकता, उसकी बेस पर उन्होंने एक और जो है वो कॉन्ट्रैक्ट कर लिया। तो क्या उनका वो कॉन्ट्रैक्ट ऑन द बेसिस ऑफ मिस्टेक होगा? एक्चुअली वो अब वो ये समझ रहे थे कि ये बार्ड हो चुका है, टाइम बार्ड हो चुका है, जबकि लॉ के मुताबिक वो टाइम बार्ड नहीं हुआ था। तो उन लॉ सही था, उनकी लॉ के बारे में अंडरस्टैंडिंग गलत थी और उस गलत अंडरस्टैंडिंग पर उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट कर लिया। तो दोनों पार्टीज ये सोच रही थी कि डेट टाइम बार्ड है, उसकी बेस पर उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट किया, तो कॉन्ट्रैक्ट स्टिल वैलिड होगा क्योंकि मिस्टेक ऑफ पाकिस्तानी लॉ की बेस पर कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल नहीं होता। अब अगर हम दूसरी साइड पर आते हैं, यानी पाकिस्तान के अलावा किसी भी कंट्री का लॉ कहलाएगा फॉरेन लॉ, और अगर उसकी मिस्टेक हो जाती है तो वो बिल्कुल वैसे ही डील होगी जैसे मिस्टेक ऑफ फैक्ट को डील करते हैं। तो दोनों पार्टीज अगर बायलैटरल मिस्टेक होगी तो ऑब्वियसली हम कहेंगे वॉइड है, और अगर यूनिलैटरल मिस्टेक है तो उसको ऑब्वियसली नहीं देखा जाएगा। तो एंड्रयू अ पाकिस्तानी एग्रीज टू एक्सपोर्ट अ पर्टिकुलर मेडिसिन टू बोरिस अ फॉरेन नेशनल। तो एंड्रयू जो है वो एक पाकिस्तानी है और बोरिस जो है वो एक फॉरेन नेशनल है। अननोन टू बोथ ऑफ देम, अब दोनों पार्टीज की मिस्टेक है, बायलैटरल है। द लॉ ऑफ दैट कंट्री हैज बैंड द सेल एंड परचेज ऑफ दैट पर्टिकुलर मेडिसिन। वहां पर वो इलीगल है मेडिसिन, उसकी बैन हुई भी है, उस पर परचेज सेल नहीं कर सकते। तो ये मिस्टेक है फॉरन लॉ की और ऐसा एग्रीमेंट जो है वो वॉइड होगा। अब इसको अगर हम इलस्ट्रेट करते हैं तो एंड्रयू एक पाकिस्तानी, बोरिस एक फॉरन नेशनल है, उनके दरमियान एग्रीमेंट ये होता है कि एक पर्सन मेडिसिन प्रोवाइड करेगा, दूसरा उसके कैश पे करेगा, लेकिन बाद में पता चलता है कि मिस्टेक पर थे दोनों, एक्चुअली वो मेडिसिन बैन है, तो ये एग्रीमेंट वाइड होगा, पार्टीज को ये कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म नहीं करना चाहिए। तो ये मिस्टेक के बारे में हमने मिस्टेक ऑफ फैक्ट को पहले बायलैटरल और यूनिलैटरल देखा, और फिर मिस्टेक एज टू लॉ को पाकिस्तानी लॉ और फॉरेन लॉ के कॉन्टेक्स्ट में देखा। तो ओवरऑल इस पूरी वीडियो में आपके 4 पॉइंट्स क्लियर होने चाहिए, यानी मैटर ऑफ फैक्ट की मिस्टेक बायलैटरल हो तो वाइड होगा, यूनिलैटरल हो तो वाइड एबल या वाइड नहीं होगा, और इसी तरह मिस्टेक ऑफ पाकिस्तानी लॉ पर वाइड एबल नहीं होगा, जबकि मिस्टेक ऑफ फॉरेन लॉ पर सेम इफेक्ट होगा जैसे मिस्टेक ऑफ फैक्ट पर होता है। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे, हैव अ गुड डे।